हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेवी रॉक्स टीम्स। तो मैं आप लोगों के लिए आ गया भाई मैच कवर करने, जो कि खेला जाएगा रॉक्स बंगाल T20 लीग का TMC वर्सेस KSE के बीच 1 घंटे 6 मिनट बाद। तो बात करूं भाइयों इस मैच की फाइनल टीम आपको लाइनअप्स के बाद कहां मिलेगी। इस मैच की मैं आपको फाइनल टीम पोस्ट करूंगा अपने इस चैनल पर, जिसका नाम है एबी रॉक्स ड्रीम 11 टीम्स। तो ग्रुप का नाम ध्यान से देख लो कि बाद में आपको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँ अगर मैं इस मैच की, तो TMC वर्सेज KSE, तो रॉक्स बंगाल T20 लीग मतलब बहुत ही बढ़िया लीग लगी है मेरे को। पहले ये लीग मुझे इतनी अच्छी लगती नहीं थी, लेकिन जब से भाइयों इसके ऊपर मतलब पूरा सर्च किया तो काफ़ी ज़्यादा बहुत अच्छी लीग है। तो बात करूँ विकेट कीपर की, तो फर्स्ट जो मैं प्लेयर लेने वाला हूँ जिसका नाम है सुदीप चैटर्जी, जो कि प्रीवियस मैच में 114 पॉइंट देके गया था। इसने 79 रन मारे थे, जिसमें कि 5 छक्के और 5 चौके दोस्तों, मतलब ओवरऑल ज़्यादा से ज़्यादा हिटिंग की है इस प्लेयर ने पिछले मैच में, इस कारण इसके बंदे ने 79 रन मारे थे। तो चलता हूँ आगे। नेक्स्ट विकेट कीपर की बात करूँ तो शाकिर हबीब गांधी। तो भाइयों इस प्लेयर के अंदर एक खासियत क्या है, ये बैटिंग बाई चांस मान लो कि ना करे, तो ये आपको विकेट कीपिंग से कैचिंग एंड रनआउट स्टंपिंग कर करके भी आपको बंदा 30 से 40 पॉइंट देने की क्षमता रखता है। इस प्लेयर के अंदर बहुत क्षमता है दोस्तों। ये दोनों टॉप के प्लेयर हैं, भले ही अलग अलग टीम के, लेकिन मेन रोल है इन दोनों का। अगर आप सोचोगे ना कि भाई मैं एक विकेट कीपर निकाल देता हूँ, अगर आप रिस्क लोगे तो आपके मन में एक बहुत बड़ा सा टेंशन रहेगा मैच के दौरान, क्योंकि जब तक ये आउट नहीं होंगे तब तक आपकी टीम पीछे जाती रहेगी। क्योंकि अगर आप 4 मेंबर खेलोगे तो कम से कम, मैं ज़्यादा ना बोलूँ तो 2 से 3 बंदों के पास ये प्लेयर होगा ही होगा। तो बात करूँ बैट्समैन की, तो जे बासु पहले काफ़ी नीचे हुआ करता था, इसके क्रेडिट हुआ करते थे 8, आज इस प्लेयर के क्रेडिट है 9.5, मतलब डेढ़ क्रेडिट ऊपर जाने की बात मतलब क्या होती है, मैं आपको क्या समझाऊं दोस्तों। जे बासु बहुत रॉकिंग प्लेयर है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या चेंजेस हुए हैं मैं आपको सारा बताता हूँ। जे बासु तो देखो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है ही, तो KMS टॉप ऑर्डर बैट्समैन नहीं है, KMS इज मिडल ऑर्डर बैट्समैन, लेकिन TMC की विकटें शुरू की बहुत जल्दी गिर जाती हैं, जिस कारण KMS का अपनी टीम में मेन रोल है। अब पिछले मैच में ले लो भाइयों 6 को 108 रन मारे थे, इसमें 11 छक्के 4 चौके, मतलब यार 11 छक्के 66 रन्स, दो इसने सिर्फ छक्के मार के दिए हैं। और आगे से बात करूँ एक और प्लेयर की, ये है शुभम चैटर्जी इज़ नॉट ए ऑलराउंडर। मैं आपको बताता था पहले भी कि ये बॉलिंग नहीं करवाएगा, तब भी काफ़ी लोग इसको कैप्टन रखते थे, अब इन्होंने बैटिंग के सेक्शन में डाल दिया, बहुत अच्छा किया हमारे लिए, तो मैंने इसको इसलिए ड्रॉप किया, मेरे पास थोड़ा क्रेडिट इशू है। इसकी जगह मैंने चुना है वी सिंह को, विकास सिंह बॉलिंग नहीं करवाएगा आज से, ये कराएगा अगर बॉलिंग करवाई भी तो एक आधा ओवर, या फिर ये प्रॉपर ओपनर आया करेगा, जो कि मुझे लगता है, क्योंकि इसलिए इन्होंने उसको बैटिंग सेक्शन में डाल दिया। तो बात करूं ऑलराउंडर की, तो ए गानी जो कि भाइयों अपनी फॉर्म में आ चुका है, और ए गानी एक बार ओपनर आया था, बहुत जबरदस्त खेला था। ओपनर आएगा नहीं आएगा ये तो हमें बाद में पता चलेगा लास्ट मोमेंट में मैच के, लेकिन अभी तक जो मेरा मानना है ये बंदा 4 ओवर बॉलिंग में एक आधी विकेट जरूर कटकाएगा। आगे से बात करूँ एक और प्लेयर की, जिसका नाम है एस दास पर मुझे बहुत भरोसा है आज के मैच में, बॉलिंग प्लस बैटिंग साइड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और नीचे एक प्लेयर है एस अहमद, ये आप देख रहे होंगे, एस अहमद पिछला मैच नहीं खेला था, अगर इस प्लेयर की वापसी होती है तो मेरी टीम में इस बंदे का मेन रोल रहेगा। भले ही मेरे को ए गानी को निकालना पड़े, मैं निकाल दूंगा, लेकिन मैं एस अहमद को ज़रूर लूंगा, क्योंकि एस अहमद जैसा प्लेयर आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। और नीचे से एक प्लेयर है जी चौहान पहले बैटिंग ऑप्शन में हुआ करता था, अब इसको डाल दिया है ऑलराउंडर ऑप्शन में, लेकिन है ये मिडल ऑर्डर का बैट्समैन ही, और ये डालेगा 2 ओवर बॉलिंग, 1 से 2 ओवर, मैक्सिमम 3 ओवर, चलो वैसे मेरे को मिनिमम जो लग रहा है 2 ओवर डालेगा, तो 2 ओवर में एक आधी विकेट ही आती है, वो भी बहुत रेयर आती है, अभी पक्का नहीं पता विकेट लेगा कि नहीं, लेकिन तभी मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। बात करूँ बॉलर्स की, तो एस मॉन्डल लिया मैंने उस जगह पे, एस मॉन्डल जो कि भाई बहुत ही रेयर मैचेस खेलता है, बहुत ही लिमिटेड, लेकिन हर मैच में इस बंदे ने 1 से 2 विकेटें लेनी है। आर पे बर्मन की बात करूँ, पिछले मैच में ये प्लेयर 68 रन्स का खिलाड़ी और 1 विकेट लेके गया, जो कि हम सोच भी नहीं सकते कि एक बॉलर उठ के 68 रन मार देगा, वो इस खिलाड़ी ने करके दिखाया है। आगे से बात करूँ आर प्रसाद ने भी पिछले मैच में 2 विकेट पॉक की थी, वो भी लास्ट ओवर में, बहुत अच्छा लगा। और आगे से बात करूँ एक और प्लेयर की, ये है रेयर प्लेयर आज का, जिसका नाम है प्रीतम चक्रवर्ती। क्या जो आप ऐसा एक प्लेयर ज़रूर लिया करो जो कि आपको लगे दूसरों की टीम में ना हो, और जो 1 से 2 ओवर बॉलिंग भी डाले। मैं मजबूरी में ले रहा हूँ, क्रेडिट इशू है, कुछ नहीं कर सकते, अगर क्रेडिट मेंटेन होते हैं तो लास्ट में मैं आपको चेंज करवा दूंगा। तो ये रही मेरी टीम भाइयों, और वाइस कैप्टन जो मैं रख रहा हूँ वो है ए गानी, और आप अपना चूज़ कर सकते हैं। तो मिलता हूँ भाई अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय।